हाय प्रेज लॉर्ड, मैं इवेंजेलिस्ट आनंद अर्धाल्ट एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की महान महिमा में और उसके महान अनुग्रह में आपके साथ में मैं आया हूँ। और हम आज प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, जो वचन हम आज आपके साथ परमेश्वर का आत्मा बांटने पर, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे खुदा, हम फिर से एक बार आपके सम्मुख करें। प्रभु जी, आप अनुग्रह और दया के सागर हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के जो भी शीर्षक है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए। प्रभु जी, उस शीर्षक के लिए, प्रभु जी ये शीर्षक मेरे मुख के द्वारा इन लोगों तक आपके आत्मा में जाए, आपके आत्मा में पहुँचे। प्रभु जी, ये लोग आपकी आत्मा की बातें समझे प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी, आप मुझसे होकर इन लोगों से बातचीत करें। प्रभु जी, आपका आत्मा मुझसे होकर इन लोगों से बातचीत करें। और साथ ही साथ हम दुआ करते प्रभु जी, जैसे ही ये लोग प्रभु, जितने भी लोग सुनने पड़े प्रभु जी, जितने भी लोग ये जानने पड़े प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके भी हृदय खुल जाए, इनके आत्मिक आत्मज्ञान खुल जाए, ये वचन को सुन सके, जान सके, समझ सके प्रभु जी। और मेरा पूरा कंट्रोल, मेरा पूरा जायजा और हर एक चीज़ों का कंट्रोल जायजा हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप कंट्रोल लीजिए, जायजा लीजिए प्रभु जी। महान महिमा कृपा गौरव आदर सम्मान आप ही को देते हैं। हर एक चीज़ यहाँ से प्रचार होने से शूट होने तक और लोगों तक पहुँचने तक, उनका जीवन बदलने तक आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और उसका फल आने तक महान महिमा कृपा गौरव आदर सम्मान आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज जो हमारा जो वचन रहेगा और उसका जो शीर्षक रहेगा वो ये रहेगा कि पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सामर्थ्य। तो इस शीर्षक में हम सीखने पर हैं, तो हो सकता है इसके हम कई पार्ट बनाएं। तो आज का पार्ट ये शायद पहला पार्ट रहेगा, और उसके बाद हम अद्भुत और महान परमेश्वर की बातों को सीखने पर है और सीखने जाने पर है हम लोग। सो आइए क्यों ना एक वचन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कहता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सो हमें क्यों निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है? बाइबल यहाँ पर कहता है निरंतर, यानी कि लगातार, लगातार यानी कि ये नहीं कि आप एक डर के मारे निरंतर प्रार्थना करते बैठो, लेकिन जब भी आप ऐसे ही आप जब चल रहे फिर तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आप ये कर रहे हैं, परमेश्वर आप वो कर रहे हैं, परमेश्वर इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, उसकी महिमा के साथ प्रार्थना करो और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाओ और कहो कि प्रभु आप सब कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, थैंक यू के साथ प्रार्थना करो। और प्रार्थना आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए कोई आप खाना खाते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद ये चीज़ के लिए, परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। और आप हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। और आपको ज़रूरत नहीं कि आप उसके लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालिए, आप हरदम प्रार्थना कर सकते, क्योंकि हम नए नियम में हम ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा हमारे इर्द गिर्द हमेशा भरा रहता है। हमें कोई एक टाइम और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम लिमिट से बाधित नहीं है, हम लिमिट के ऊपर है। तो बाइबल यहाँ पर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आज आपसे कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्रार्थना क्या कर सकती है या क्यों हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि वो हमारा पिता है और उसके साथ हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना और वो मांगते रहना है जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो प्रार्थना के द्वारा ही हमें मिलेगा। आप कहोगे कि क्या हम मांगे तो ही दिया जाएगा, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा क्या? क्या परमेश्वर हमारे हृदय को नहीं जानते? परमेश्वर आपके हृदय मन विचार सबको जानते हैं, लेकिन उसका वचन क्या कहता है? मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब आप जब मांगते हो तो आप क्या करते ना, आपका जबान का इस्तेमाल कर दो। परमेश्वर हर एक चीज़ों में अपने वचनों में बंधा हुआ है, तो वो जो वचन उसने कहे हैं, जैसे कि तुम्हारे जबान में भी सामर्थ्य है, तो उसी तरह से जब तुम मांगते भी हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे जबान के अंदर तुम खुला करते हो या परमेश्वर के सामने प्रकट करते हो उस चीज़ों को। और जब तुम यहाँ पर मांगते हो तो वो स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए क्या होगा? खुला कर दिया जाएगा। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या क्या कर सकता, मैं उसके कुछ कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। बाइबल कहता है कि जब प्रार्थना की गई हन्ना ने, तो वहां पर क्या हुआ कि उसने दिल से प्रार्थना की और रोकर प्रार्थना की। ये प्रार्थना ने क्या किया? उसको एक बच्चा दिया। प्रार्थना क्या क्या कर सकती, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, अभी शॉर्ट में आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं कि
क्या क्या कर सकती है। प्रार्थना के द्वारा हन्ना को बच्चा मिला, प्रार्थना ही के द्वारा बाइबल कहता है कि जब एलिशा प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने क्या किया, जब एलिया ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने क्या किया। ये हमें बताते हैं कि प्रार्थना इन लोग के जीवन में कितनी कितनी जरूरी थी, कितनी जरूरी थी। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, बाइबल कहता है कि उसने दिल लगाकर प्रार्थना की, वो भी हमारी तरह ही दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो बारिश रुक गई, कुछ सालों तक बारिश रुक गई। और जब उसने कहा कि बारिश आनी चाहिए तब बारिश आई, क्योंकि उसने उसके सेवक से कहा जा और फिर एक बार जाके देख के बादल आया कि नहीं आया। वो फिर गया और देखा कि उसने कहा कि नहीं परमेश्वर का सेवक बादल यहाँ पर नहीं दिख रहे, तू तो कहता है बारिश होगी लेकिन बादल तो नहीं दिख रहे। उसने कहा कि फिर एक बार जा, ओ बादल नहीं दिख रहे। और जब उसने ऐसा कहते गया तो आखिर में क्या हुआ, वो कहता है कि एक, उसके सेवक ने कहा कि एक मुट्ठी पर बादल दिख रहा है। इससे आप क्या सीख सकते हैं, ये जो मैंने लास्ट का स्टोरी बताया कि उसने तब तक प्रार्थना की जब तक बादल नहीं दिखता है। आपको तब तक प्रार्थना नहीं करता जब तक आपका रिजल्ट नहीं दिखाई देता। पहले आपको कह रहे थोड़ा ही मुट्ठी भर ही बादल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहना। और पहले जब भेजा तब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में एक मुट्ठी भर बादल उसको दिखाई पड़ा। आपको तभी भी प्रार्थना करनी, आपने कहा इतनी बार मालूम भेजा, उस पेशेंट के लिए प्रार्थना की वो पेशेंट चंगा नहीं हुआ, इस पेशेंट के लिए प्रार्थना की वो पेशेंट चंगा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं, तब तक प्रार्थना करो। और बाइबल कहता है कि पूरा दिल से और क्या कहते ना गहराई से आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं अगर आप एलिया ने जो ये प्रार्थना की बादल दिखाई दिए और वो तब तक भी प्रार्थना कर, वो जब उसका सेवक आते रहेगा सोचो अभी बादल दिखा नहीं दिखा तो हौसला टूटता जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका हौसला और बढ़ता गया। क्योंकि आपके प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर अपने समय पर काम करने वाला परमेश्वर है और वो आपको दिखाएगा टाइम पर कि वो कैसे, भले आज अभी बादल नहीं दिख रहा है, अभी बादल कुछ प्रॉब्लम नहीं, बादल दिखेगा क्यों, मेरी प्रार्थना में जानता हूं परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है कि वो मेरी प्रार्थना को सुनता है, सुनकर ही रहेगा वो। अगर वो कहता है कि वो विश्वास के द्वारा अगर आप प्रार्थना करते हो, मांगो तो क्या हुआ, दिया जाएगा। और निसंदेह, संदेह करके मत मांगो। संदेह करने वाला कैसा होता है, समंदर में कि लहरों की सामान है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वैसा नहीं। निसंदेह होकर मांगो, संदेह मत करो कि नहीं, अगर मांगा है तो मिलेगा ही, मांगो तो दिया जाएगा। तो मांगना जरूरी है, या तो कह दो मांगते रहना जरूरी है। अगर जब आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलता रहेगा, अगर आप नॉर्मल रहोगे मैं आपको कहूँगा कि मांगना जरूरी है, लेकिन आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। एलिया ने क्या किया, बार बार से होकर भेजा, जाके देख बादल है क्या, जाके बादल देख क्या, मतलब क्या। जब उसने ये भी कहा कि बारिश रुक जाए, हाँ रुक गई। जब उसने कहा कि बारिश आनी चाहिए तो हाँ आई। उसने लव दिल से प्रार्थना की, यानी कि क्या ना पूरी इससे कि आना ही चाहिए, पूरा आप हार्ट के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको होना ही चाहिए। बाइबल कहते वो भी हमारी तरह दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन बारिश जब उसने कहा कि नहीं होगी तो नहीं हुई बारिश। जब उसने कहा कि बारिश होनी चाहिए, आनी चाहिए, बारिश आ गई। बाइबल क्या था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसको ये आपको समझना कि आज भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं स्वर्ग में, वहाँ पर वो आपके बीच में मध्यस्थी करते हैं और आपकी मध्यस्थी की वो प्रार्थना इतनी सामर्थ्यशाली है, अभी पहले से ज़्यादा सामर्थ्यशाली है अभी, क्योंकि वहाँ पर आपका एक मध्यस्थी करने वाला बैठा है। जो बीच में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, बीच बचा वाला, वो व्यक्ति वहाँ पर है। तो आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। हन्ना ने प्रार्थना की दिल से, गहराई से, रोकर, पूरी गहराई से प्रार्थना की, तो क्या हुआ, उसको बच्चा मिला। जब एलिया ने प्रार्थना की वहां पर काम, एलिशा ने जब उसके समय में प्रार्थना की तो वहां पर भी काम हुए। उसने कहा कि ये होना ही चाहिए तो हो गया, उसने कहा इसको बच्चा मिलना ही चाहिए तो बच्चा मिला। को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा, प्रार्थनाएं क्या क्या कर सकती है।
प्रार्थना उस जो बच्चा मर गया था उस स्त्री का, उसमें जब प्रार्थना की एलिशा ने, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये क्या दिखाता है? एलिया के समय में भी ऐसा हुआ। वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन बहुत काम का जीवन है। इसको कभी भी ऐसा मत समझो कि नहीं प्रार्थना कुछ नहीं सुनी जा रही है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो प्रचार करना था, तो आज के प्रचार में मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। प्रिपेयर नहीं थे यानी ये नहीं कि मेरे पास कोई प्रचार नहीं, मेरे पास बहुत सारे परमेश्वर रेवलेशन देखे रखता है, मेरे माइंड में भरे पड़े। लेकिन आज का प्रचार पता नहीं, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। मेरे पास कुछ एक दो वचन थे, मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी नहीं है। लेकिन जब अभी मैं देख रहा, जो एक वचन ही मैंने पढ़ा है, तो परमेश्वर क्या क्या बात कर रहा है। लेकिन जो बात मैं कुछ वचन ढूंढने लगा कि कुछ इसके ऊपर और, तो मुझे उसमें से कोई वचन इतना अच्छा नहीं लगा जितने वचन में इससे बात कर रहा है परमेश्वर। तो प्रार्थना में ताकत, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत प्रार्थना से की। इसके पहले भी मैंने प्रार्थना ही की है आपके सामने पेश आने से पहले, तो इसका मतलब प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि वो चीज़ों को बदल लेती है। और तभी भी भरोसा रखना, जब 60 बार बादल को देखने के लिए आपको बोला गया तो आपका भरोसा टूट जाएगा। लेकिन एलिया का भरोसा टूटा नहीं, वो फिर मजबूत रहा। फिर जाके देख, फिर एक मुट्ठी पर बादल दिखाई पड़ा। फिर क्या हुआ? एक मुट्ठी पर बादल दिखाई पड़ा। और एक मुट्ठी भरा, बोले इतना बार के मुट्ठी भरी, शायद बारिश नहीं आएगी, नहीं फिर भी प्रार्थना करना। और फिर बारिश आई। हार नहीं मानना कि नहीं प्रार्थना कर रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे, कुछ भी नहीं होगा, होगा। वो आपको भरोसा होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो आपकी प्रार्थना की, बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना और उसके कान लगे हुए हैं, वो धर्मी जन की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आएगी। शायद कुछ समय जल्दी, कुछ समय देरी, कुछ समय में पहले, लेकिन आएगी जरूर। आप कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आतुर है। वो खुद आपकी प्रार्थना, और कभी आप प्रार्थना करोगे वो कभी वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना करने के लिए कभी स्किप मत करो, चाहे कुछ भी हो, आपकी प्रार्थना बनी रहनी चाहिए हमेशा। हरदम आपकी प्रार्थना बनी रहे और नित्य प्रार्थना करते रहो। कैसे करूँ नहीं समझ में आता, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे आती वैसे करो। बार परमेश्वर आपको समझाएगा क्या करना, कि बाइबल कहता है कि उसका आत्मा हमें खुद बताएगा कि कैसी प्रार्थना करनी है। वो आए भर भर कर प्रार्थना करता है। अगर आपको मालूम भी नहीं कैसी प्रार्थना करना है, कौन से शब्द यूज़ करना है, क्या करना है, तो मैं आपसे कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके शब्द कैसे कहा जा रहे हो उन्हें वो जानता है। और जब टाइम आएगा आपके शब्द भी सही हो जाएंगे। प्रार्थना बहुत कुछ करती है, प्रार्थना बहुत कुछ बदली कर देती है। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में एक बड़ा, बाइबल क्या कहता है, एक और वचन में क्या लिखा गया है बाइबल में, लूका 22:45 में ऐसा लिखा गया है, लूका 22, ध्यान दीजिए, लूका 22 45 नंबर के वचन में ऐसा लिखा गया है यहाँ पर, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, उनसे कहा क्यों सोते, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में नहीं, आप कई बार क्यों फंस जाते परीक्षा में, क्योंकि आपकी प्रार्थना लाइफ बहुत ठंडी होती है, प्रार्थना जीवन बहुत ठंडा होता है। तो इसके लिए शैतान आकर तुरंत कुछ चीज़ें चोरी कर लेके जाता है, तुरंत चीज़ कुछ ये कर लेता है। प्रार्थना में जागे रहो, सो मत कभी भी, क्योंकि अगर आप प्रार्थना में सोए रहोगे ना, शैतान के लिए सुनहरा मौका, सुंदर मौका कि आपके सब चीज़ें चोरी कर ले। लेकिन जब आपकी प्रार्थना की आग जागी रहेगी, आपका आत्मा गर्म रहेगा, शैतान आपको छू नहीं सकेगा। आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते, जैसी आपको आती, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करो, यही पैटर्न है, वही पैटर्न है। अपने पिता के साथ बोलने के लिए कोई पैटर्न नहीं यूज़ करते। घर में कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ करते हैं आपके पिता के साथ बात करने के लिए, डैडी आप अभी दोगे तो मैं ऐसा, ऐसा हम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि डैड मुझे चाहिए ये चीज़, सो ऐसा नहीं कि चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डैड मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है ऐसा। तो उसमें क्या है, कोई ये नहीं है ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पिता के तौर पर आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपके शब्द भी मिसिंग हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके सोच से ज़्यादा समझदार है। वो हर एक चीज़ का मालिक है, उसको वर्ड भी मालूम है, उसको स्पेलिंग भी मालूम है, करेक्शन भी मालूम है, सब मालूम है। उसके बारे में ज़रा टेंशन मत लो, क्योंकि आपका जो मध्यस्थी हो, जो बिचवारा बैठा है ना, वो सब कुछ करेक्ट कर उसके पास पहुँचाएगा परमेश्वर के पास। तो आपको टेंशन नहीं, मेरे वर्ड वो गलत हो गए, मेरी ऐसा कुछ नहीं, गलत
वर्ड यहाँ हुआ हो सकते हैं, परमेश्वर जानता है आपको क्या देना, डरो मत, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको नहीं देनी, परमेश्वर देगा नहीं ज़बरदस्ती अगर आपने गलती से कुछ कह दिया है तो परमेश्वर कुछ ऐसा खुरदित परमेश्वर नहीं है, उसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो सेंस रखता है, परमेश्वर एक सेंस वाला परमेश्वर है। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल कहता है कि डैनियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठता था, और जब इस विश्वास योग्यता से उसने ये चुना कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन प्रार्थना छोड़ना पसंद नहीं करूंगा, बाइबल कहता है कि उसके लिए कुछ रूल्स ही चेंज कर दिए गए। आपके लिए असंभव वो चीज़ें होती रहेगी जब आप प्रार्थना में बने रहोगे। क्या हुआ, जब उसको शेर की गुफा में डाला गया उसके परमेश्वर के साथ रिलेशन की वजह से और उसकी परमेश्वर की उसके ऊपर, क्योंकि सच में उसके ऊपर बहुत फेवर था परमेश्वर, वो जब बाइबल कह रहा जब राजा को एक दर्शन मिला, जब उसको यार उसका बताना नहीं चाह रहा, सब लोग मारी जाने की आज्ञा मिली थी, तब डैनियल ने कहा कि रुको हम प्रार्थना का उसके दर्शन का अर्थ बताएंगे, और जब उसने उसके साथियों से कहा कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बात करे, और डैनियल से परमेश्वर ने बात की और उसने क्या किया ना, सब चीज़ें उस पर रिवील कर दी, परमेश्वर ने डैनियल पर रिवील कर दी, दर्शन का अर्थ ही नहीं दर्शन भी रिवील कर दिया, सोचो वो सपना भी बता दिया कि क्या होता है, जो कि कोई नहीं बता सका, पूरा राष्ट्र उद्धार नहीं बता, लेकिन डैनियल बता सके, वो प्रार्थना में मजबूत व्यक्ति था। आप जब प्रार्थना में मजबूत, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, और खुशी के साथ प्रार्थना करो, डर के मारे नहीं, वो डर के प्रार्थना करो, नहीं खुशी के साथ प्रार्थना करो आप, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और वो डर का परमेश्वर नहीं है, वो भय का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो प्यार का परमेश्वर है। आप जब गिरते हुए ना, वो आपको उठाएगा, फिर खड़ा करेगा, और करो और प्रार्थना करो, डरना नहीं, जब भी गलती हो फिर लौट कर आना, फिर प्रार्थना करना कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि कुछ भी करते जाओ, मैं इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि प्रार्थना में बने रहोगे तो सब कुछ संभव है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, आपकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली, आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, आप प्रार्थना करो, लोग के जीवन में काम होगा। और हम ये देखते हैं कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं मालूम पड़ती, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करते, वो कहते हैं वाह क्या प्रार्थना हो गई। सो क्योंकि आपको शायद उतना उस चीज़ पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो उस चीज़ को भरोसा जितना करेगा उस चीज़ को उतना ही हासिल करेगा। इसके लिए मैंने कहा जो जिस अनंटी को जितना समझेगा वो उतना ही पाएगा। अगर आप मेरे अनंटिंग को जितना समझते हो, आप मेरे अंदर से उतना ही चीज़ लेकर ले पाओगे जितना कि आपने मेरे अनंटिंग को समझा है। अगर आपने मेरे अनंटिंग को समझा ही नहीं तो आप कभी वो चीज़ नहीं ले पाओगे जो मेरे अंदर है। चाहे आप मेरे साथ क्यों ना बैठे, चाहे मेरे साथ क्यों ना उठे, मेरे साथ खाना क्यों ना खाए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वो चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वरी सेवक दुगने आदर के योग्य है। और जब तक इस वचन को आपके हृदय में फॉलो नहीं किया जाएगा, वो उसकी आशीषें भी आपके जीवन पर नहीं फैलेगी, जब तक वो आदर उनको नहीं मिलेगा जिससे वो कभी मिलना चाहिए। तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक क्या है, प्रार्थना में। तो बाइबल क्या कहता है, जब वो प्रार्थना किया तो क्या हो गया, उसको ये सारे दर्शन रिवील हो गए, और ये सब बातें, यानी कि परमेश्वर हो सकता है कि आप जब प्रार्थना करते रहोगे किसी का कुप सीक्रेट भी आपको बता देगा कि वो लोग क्या करते रहे, एक किसे उसको मालूम पड़ा, एक किसे ऐसा मालूम पड़ा, लेकिन ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपको ये सब बातों की बुद्धि देता है, समझ देता है और विजडम देता है कि आप ये सब जान सको। डैनियल को ये सब चीज़ों की परख, और डैनियल के लिए क्या कि हिस्ट्री बदली गई, नेचुरल जो चीज़ होता है ना वो बदली कर दिया गया, जो एक नेचुरल रूल है कि अगर शेर की गुफा में जाओगे तो खाए ही जाओगे, लेकिन नहीं, डैनियल के लिए कुछ अलग हो गया। जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तो अपनी विश्वासों के तौर पर बना रहे, मैं प्रार्थना करते रहूँगा, तो उसकी परमेश्वर ने भी कहा कि तू प्रार्थना में फेथफुल है तो मैं भी तेरे साथ फेथफुल है। जब वो शेर की गुफा में गया कोई शेर उसे खा नहीं पाया। जब कोई चीज़ आपको परमेश्वर की प्रार्थना करने से अलग नहीं करेगी तो कोई चीज़ आपको हानि भी नहीं पहुँचा। बाइबल यहाँ पर क्या कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तो तुम परीक्षा में पढ़ सकते हो। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारी परीक्षा हो सकती है, और तुमको ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर परीक्षा आ सकती है। जैसे पत्रस की परीक्षा हुई जब यीशु के बारे में पूछा गया कि क्या तुम पत्रस यीशु को जानते हो, नहीं मैंने 3 बार मुकर गया। वो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, कि तुम्हारी परीक्षा हुई और परीक्षा में वो असफल रहा क्योंकि वो सो गया, लेकिन ठीक है फिर उठो, यीशु मसीह फिर आएंगे आपके पास उठाने के लिए, और पत्रस फिर एक बार प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को मैं ताकत दूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ताकत देंगे, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपकी फैमिली को बदलेंगे, परिवार को बदलेंगे, लोगों को बदलेंगे, परमेश्वर आपके घर को बदलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे, आपके काम घर काज और बिजनेस को, यहाँ तक कि आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे।
जब आपका प्रार्थना जीवन मजबूत रहेगा। प्रार्थना जीवन ठंडा मत रखो, आपको जलने दो। आपको क्या करो, जलने दो। आपकी प्रार्थना क्या करती है, आपकी आत्मा को जागरूक रखती है। आपकी आत्मा को क्या करती है, जागरूक रखती है। फिर आत्मा ही आपको बता रहा है कि सही डिसीजन क्या लेने है, नहीं तो क्या होता है फिर परीक्षा में, क्योंकि पतरस का आत्मा को गाइड नहीं हो पाया, क्योंकि आत्मा को प्रार्थना का आग नहीं मिला, वो तेल नहीं मिला प्रार्थना का। आत्मा को बुझने मत दो। तो आत्मा का क्या ये है, क्या कहता है उसका फीडिंग क्या है, उसके अंदर डालने का चीज़ क्या है, स्रोत क्या है उसको जला कर रखने का, तो वो ये है कि प्रार्थना आत्मा में जाती रहेगी तो क्या करेगी, वो भपकती रहेगी। तो क्या होगा, कोई भी गर्म चीज़ पर कोई भी मक्खी मच्छर आके नहीं बैठता। क्यों मालूम है, छिपकली भी नज़दीक नहीं आती, आपने देखा रहेगा, क्योंकि वो गर्म है, उसको मालूम चटका बैठेगा। चैतन्य को भी मालूम है ये आग फायर से भरा व्यक्ति है, इसके पास जाऊँगा तो चटका बैठेगा, वो भागेगा, वो प्रार्थना करने वाले लोग से डरता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, कुछ आत्माएँ बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। तो आपकी प्रार्थना सुनो, सोचो कितनी सामर्थ्यशाली है। प्रार्थना आपको करनी चाहिए, प्रार्थना आपको करनी चाहिए। आपके लिए क्या होगी, हिस्ट्री अलग से लिखी जाएगी, सबके लिए अलग हिस्ट्री। कुत्ता भी पीछे रख गया और काट कर खा गया, और कुत्ता काटा, यहाँ पर शेर की गुफा में भी जाकर शेर नहीं काटा दैनियल को, क्योंकि प्रार्थना जीवन मजबूत था। तो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, डर के मारे नहीं लेकिन प्रेम के मारे उत्साहित, खुशी से प्रार्थना करो, डरो मत, ये मत करो, जैसे भी आपको होती प्रार्थना करते रहो। और उसके साथ एक पिता और पुत्र का रिलेशन बनाओ, बेटी का और पिता का रिलेशन बनाओ। मैं आपसे कहता हूँ, बाइबल कहता है कि एस्तर ने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ, उस अगर राजा के बिना परमिशन कोई उसके पास पहुँचेगा तो अगर उस वो उसके हाथ में जो भी वो लकड़ी थी, जब तक उसके ऊपर वो नहीं करेगा राजदंड, तो उसका अगर नहीं किया तो वो मारा डाला जाएगा। लेकिन एस्तर ने किस चीज़ के ऊपर रिस्क उठाई मालूम है, प्रार्थना के ऊपर। किसके ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। उसने कहा तुम सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं वहां पर जाऊंगी। तुम सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना के ऊपर क्या होती है, रिस्क उठाई जाती है। प्रार्थना के ऊपर रिस्क उठाई जाती है। प्रार्थना वो चीज़ संभव कर देती है जो असंभव होती है, असंभव चीज़ संभव कर देती है प्रार्थना आपकी। यीशु मसीह ने कभी प्रार्थना की तरस से प्रार्थना की, लोग के लिए प्रार्थना की तरस से प्रार्थना की। आपके अंदर तरस बना होना चाहिए तो आपकी प्रार्थना और काम करने लगेगी, आपकी प्रार्थना और काम करने लगेगी। जब भी आप दुखी लोग को देखो, तकलीफ वाले लोग को बैठो, आपके दिल में एक तरस आना चाहिए, आपके हृदय में एक हाँ आनी चाहिए कि नहीं उनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। आपका हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, तरस होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप यीशु के प्यार को जानोगे। आप यीशु के प्यार को बहुत लेस जानते हो, इसके लिए आपका हृदय बहुत कठोर है। किस तरह उसके प्यार को समझोगे, आपका दिल हल्का सा रहेगा। आप उनको देखोगे ये ऐसी भेड़ है जिनका कोई चरवा नहीं है। यीशु मसीह ऐसे कहते थे, यीशु मसीह ऐसे कहते थे, ऐसी भेड़ जिनका कोई चरवा नहीं है, ऐसे उनको दया आती थी। दया कब आएगी, जब आपका परमेश्वर को प्यार को जानना बहुत स्ट्रांग रहेगा और आपकी प्रार्थना जीवन मजबूत रहेगी। आपकी प्रार्थना होगी, आपकी हर एक प्रार्थना का, बाइबल क्या कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हें मिलेगा। तो प्रार्थना में क्यों तुमको कभी कभी कुछ चीज नहीं मिलती है, क्योंकि तुम उसके वचनों में बने नहीं रहे। उसका वचन कुछ कहता है लेकिन तुम्हारी लाइफ कहीं और चली जा रही है। उसके वचनों पर अपना लाइफ लेकर आओ, उसके वचनों पर मानना सीखो। उसका वचन कह रहा है प्यार, एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे किया है। तो प्यार के अलावा जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, गलत होता है। प्यार में ही जो करो इसी में आज्ञा फॉलो हो जाएगी, तो आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, जो तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम मेरे वचनों में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। क्या आपके अंदर वचन बना है, या आप वचनों के अंदर बने हो? आपको उसका हृदय, उसका वचन आपके हृदय में हमेशा बना होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ऐसा कहता है हम ऐसे नहीं करेंगे, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम किसी के साथ जलघाट नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे, बाइबल कह रहा है जब तेरा पड़ोसी तेरे साथ बेखटके में रहता है तो उसके बारे में कोई बुराई का बात मत सोच। आपको क्या करना है, प्यार के साथ चलना है, तब आप प्रार्थना में बने रहोगे। आपकी प्रार्थना बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ताकत रखती है। मांगो तो दिया जाएगा, और एक और वचन में लिखा गया है तुम मुझसे राष्ट्र मांगो तो मैं राष्ट्र दूंगा। ये कहाँ पर लिखा गया, प्रार्थना में मांगने की बात की है। प्रार्थना में राष्ट्र भी मिलता है, प्रार्थना में राष्ट्र भी मिलते हैं आपको।
आप बाइबल कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। क्यों नहीं पाते हो फिर अभी? क्योंकि बुरी लालसा में उड़ा देने के लिए मांगते हो, इसके लिए मिलता नहीं। कभी कभी मांगो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर दे मुझे एक बढ़िया डॉक्टर, मैं मीटिंग रखूंगा, मुझे इतना पैसा दे, फिर सेवकों को मैं ब्लेस करूंगा, प्रभु जी मैं ऐसी सेवा का ही करना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं देगा परमेश्वर। मांगो अच्छे हृदय से मांगो, मैं श्योर बोलता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जब ऐसे हृदय से मांगते ना मिलता ही है। हाँ, देने के टाइम में लड़खड़ा हो मत, फिर देने के टाइम में भी उतना मजबूत रहो कि नहीं अभी देंगे भी नहीं बाद में, नहीं यार मेरी माइंड से तो नहीं आ गया, मेरे सोचते तो नहीं आ गया, मेरे से कुछ नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया फिर? और अभी मांग रहे हो कि नहीं प्रभु दे मुझे इसको दिखाने का है, मेरे पास ये है, मुझे उसको दिखाने का, कुछ नहीं मिलेगा फिर, मुझे ये करना है। एक उसके पीछे इंटेंशन ही गलत है, इंटेंशन सही रखो, प्रभु मुझे आपकी सेवा के लिए करना है, प्रभु मुझे आपके लिए इसके लिए करना है, प्रभु प्रभु आपको मांगने से ज़्यादा देगा फिर। क्यों कुछ लोग को मांगने से ज़्यादा मिलता है? यही कारण है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते हैं। इसके लिए बाइबल कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, संसार की सारी चीज़ें पीछे चली आएगी। मांगो इस चीज़ के लिए, धार्मिकता की खोज के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, जब भी मांगो इसके लिए मांगो, तो तुमको आपको उतना उससे ज़्यादा मिलेगा आपको, जो आपके लिए भी पूरा होगा और सेवकाई के लिए भी मिलेगा, सच में बोलता हूँ मैं। और जो आपको मिलेगा उसके लिए सेटिस्फाइड भी रहना, फिर मत कहना कि नहीं ओ इतना ही मिला, मैं कुछ तो मिला, फ्री में मिला है, उसमें क्या पूछना मिला क्या नहीं मिला। सो मैं आपसे कहता हूँ ये पूरे इसमें मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको मैं उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस पूरे विश्वास के जीवन में, कि प्रार्थना में बने रहो। यीशु मसीह प्रार्थना में बने रहते थे, और जब कहीं किधर जाना है वो प्रार्थना करते, प्रभु मुझे पता। और जब रात में प्रार्थना, दिन में मार्ग खुला होता रहा कि कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है, कहाँ पर कौन बैठा रहेगा, कहाँ पर कौन सी स्त्री उसकी वस्त्र को छूंगी, कौन वाहन दे रहेंगे, कौन लंगड़े रहेंगे, क्योंकि आत्मा की सही टाइमिंग आपको प्रार्थना के द्वारा मिलती है। या कई बार आपका जीवन क्यों यहाँ वहाँ बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि प्रार्थना जीवन टूटा हुआ रहता है, तो आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलता कि कहाँ पर जाना है, आपको मुझसे नहीं हो रही प्रार्थना करें, कुछ नहीं। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे दिल दे, मुझे चाहत दे, और जितने टाइम के लिए करने के लिए आ रही उतनी करो, वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। आपको उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्यों ऐसा क्यों वैसा, क्योंकि जब आप करने के लिए तो ठानो एक कदम तो बढ़ाओ, 99 कदम बढ़ा ही रहेगा, लेकिन एक कदम जाओ उसके और बढ़ो प्रार्थना करने के लिए। जब नहीं होता तभी भी, जब दिल नहीं लगता तभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं करो तो परमेश्वर श्राप दे देगा, लेकिन इसके लिए कि आपका आत्मा गर्म रहे और आपको मार्गदर्शन मिलता रहे, और ऐसा और नहीं कुछ गलत हो जाएगा फिर नहीं प्रार्थना, ऐसा नहीं है परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो तो उपकार न आने वाले पर भी दयालु है, लेकिन आपको प्रार्थना का वैल्यू मालूम है, उनको नहीं मालूम छोड़ दो, आपको मालूम है तो आप करते रहो, लेकिन बिना डर के, लेकिन प्यार के अंदर, उसकी भलाई के अंदर। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा इन सभी चीज़ों से पार होने के लिए। इसके लिए कई बार तूफान आते हैं, वो तूफान आपको क्यों कुछ नहीं कर पाते, कि आपने पहले ही आत्मा में बहुत प्रिपरेशन कर लिया, आपका आत्मा बहुत स्ट्रांग है, तो वो समंदर की लहरें, वो समंदर की नावें आपको कुछ भी नहीं कर पाती है जो बाकी लोग को डरा रही है, क्योंकि यही कारण है। लेकिन ये व्यक्ति प्रार्थना में, यीशु मसीह प्रार्थना में मजबूत थे, तो तूफान उनको नहीं डरा पाया, वो सोए हुए थे। आप निश्चिंत रहोगे जब आप प्रार्थना की आपकी वेदी अच्छी रहेगी, जब प्रार्थना की वेदी टूटी रहेगी, आप बहुत गड़बड़ी में रहोगे। तो प्रेम के साथ, विश्वास के साथ और खुशी के साथ परमेश्वर की प्रार्थना की वेदियाँ बनाओ, कि परमेश्वर आपको बहुत तायक से आगे लेकर जाए और बहुत ऊंचा उठाने पाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वादित करे। अगर परमेश्वर ने चाहा इसके बारे में तो मैं और भी आगे वचन लेकर आऊँगा। अभी के लिए मेरे हृदय में जो था मैंने आपके सामने प्रकट किया। जब प्रार्थना की जाती है तो राष्ट्र राष्ट्र दिए जाते हैं, जब प्रार्थना की जाती है जीवन बदल जाते हैं। दाऊद का जीवन भी एक प्रार्थनामय जीवन था, आप देखो उसके पूरे भजन संहिता में आगे देखो प्रार्थना करता था परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरा तू गढ़ है, मेरी मजबूत आशा है, अगर मुझे ये आशा नहीं होती कि जीवितों की पृथ्वी पर भलाई होगी तेरे द्वारा, तो मैं मूर्छित हो जाता। ये प्रार्थना वाला एक व्यक्ति था, आराधना में था ही, लेकिन प्रार्थना भी बना हुआ था। तो आपकी प्रार्थनाएं आपको उस पार लेकर जाएगी जहाँ पर लोगों को बीच में ही जो रोकती रहेगी, लेकिन आपकी प्रार्थना आपको उस पार आराम से लेकर जाएगी, वो भी सोते हुए आराम से, शांति से, चैन से। इसी के साथ प्रार्थना वचनों में बने रहो, परमेश्वर आपको अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी बहुत तायक से मदद करने पाए। क्यों नाम प्रार्थना करते हैं? स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु मसीह नासरत के नाम से मेरे प्यारे खुदा, फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी
जैसे हम लोग ने सब जो बातें आपके आत्मा के द्वारा आपने मुझसे मेरे द्वारा कही है, इन सभी लोग को समझने के लिए, इस पर चलने के लिए, इस पर भरोसा रखने के लिए और इसकी सामर्थ्य जानने के लिए कि प्रार्थना कितनी सामर्थ्यशाली है। एलिया बारिश रोक सकता है प्रभु जी, बारिश ला भी सकता है प्रभु जी, हन्ना बच्चा प्राप्त कर सकती है प्रभु जी, डैनियल शेर की गुफा से बच सकता है प्रभु जी, एस्तेर उसके पूरे जाति को बचा सकती है प्रभु जी, और प्रभु जी ऐसे कई सारी बातें, ऐसी कई सारी बातें हमें परीक्षा में पढ़ने से भी बचाती है प्रार्थना प्रभु जी, कि हमें सहायता मदद कर समझने जानने इस पर चलने के लिए। हमें ऐसा एक हृदय दे प्रभु जी जो बड़े प्रेम और शांति के साथ आपके साथ प्रार्थना भी करें और आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की स्तुति करें। प्रभु जी आपका आत्मा हमारे साथ बने रहे, परमेश्वर का अनुग्रह शांति हमारे जीवन पर, हम सभी के जीवन पर बनी रहे। मान महिमा कृपा गौरव आदर सम्मान आप ही को देते प्रभु जी, स्वर्गीय सामर्थ्य पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आपको मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर के महान वचन और रेवलेशन आप तक पहुँचे, इसी तौर से जैसे आज का पहुँच रहा है इसके पहले पहुँचे, ताकि जब आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर मेरा और इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में काम करने के लिए। तो आपकी प्रार्थना क्या ठंडी ना हो यहाँ के लिए भी, कि पाषाण को बुद्धि दे, समझ दे, सेहत दे, चंगाई दे, आशीष दे, ताकि जो कुछ मुझे मिलेगा और जब मेरी आत्मा से होकर आप तक भी पहुँचेगा, आप मुझसे भी ब्लेस हो गए। मैं सच में कहता हूँ आपको, परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए, आशीर्वादित करने पाए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आप जाकर वहाँ पर वीडियो देखें, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ ज़रूरत है, लेकिन आप देखोगे तो आप ब्लेसड रहोगे, क्योंकि महान महान रेवोल्यूशन वहाँ से परमेश्वर ने बातचीत की है। सो अगर आप इस अनॉइंटिंग को समझोगे जो मेरे जीवन पर है, वह काम करेगी जब उसका आदर और रिस्पेक्ट होगा आपके द्वारा। सो जो भी कुछ आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप यहाँ पर हमारे पास भेज सकते हैं। आपकी जो कुछ भी वचन के द्वारा जीवन में कुछ बदलाव आया है या जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो वहाँ पर आप आपकी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि हम जान सकें और खास करके लोग भी जान सकें कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको कितना आशीर्वादित किया है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे फिर से एक नए रेवलेशन के साथ, परमेश्वर के नए वचनों और प्रार्थनाओं के साथ। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें।